मानी के स्कूल के बाहर बीमार हो रहे हैं, मतलब कि हद से ज्यादा कफ प्रॉब्लम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज ब्लॉग। और आप सोच रहे हो मैं कहाँ चलते चलते ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं हूँ हिमानी के स्कूल के बाहर। और गाइस, मैं आई थी हिमानी का हाफ डे कराने, क्योंकि उसको कफ प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ उसका स्कूल में स्पोर्ट डे का फंक्शन है, तो इसलिए तो बस मेरे यहाँ पे वो डॉक्टर से बात हो गई थी, अपॉइंटमेंट ली थी, इसलिए हमें इसको आज जल्दी लेके आना पड़ा बस। और हम जा रहे हैं, देखो यहाँ से इनका आज हुआ था क्या स्पोर्ट डे की प्रैक्टिस? हैं? आज हाफ डे? तीन बच्चे गए हैं तुम्हारी क्लास से? तो गाइस, अभी हिमानी बताएगी हम क्यों बैठे हैं। मुझे दोबारा से वही प्रॉब्लम हो चुकी है, इसको कफ की दिक्कत हो रही है, और कफ की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए मैं आई हूँ QRG। और गाइस, हम मतलब आए हैं हिमानी को लेकर मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल। और शायद जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि इस हॉस्पिटल का पहला जो नाम है वो है QRG। फरीदाबाद का काफ़ी अच्छा फेमस हॉस्पिटल है, तो अगर उसका नाम चेंज कर दिया है मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल करके। मेरी और राधो को दोनों को छोटे मोटे हॉस्पिटल की दवाई थोड़ी जचती है, इन्हें यहाँ आना और क्या। हमने गाइस मानी का करा लिया इसमें ना टेस्ट, चेक कर, और मैं आपको घर जाके शेयर करूँगी कि डॉक्टर ने क्या बताया। नहीं, हमारी टेंशन में क्यों है? दिल्ली NCR में इतना पॉल्यूशन होने की वजह से बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, और मैं आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ कि इसी वजह से मैं हिमानी को डॉक्टर के लेके गई थी। उसको इतनी ज़्यादा तो साइनस की दिक्कत हो गई है, साइनस मतलब कि उसकी एक साइड से नाक बंद हो जाना पॉल्यूशन की वजह से, और कफ मतलब कि हद से ज़्यादा कफ प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सब मतलब मुझे दिखाते दिखाते हो गए, कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट इसको कराते हुए, पर बिल्कुल भी आराम नहीं है, बिल्कुल भी। और अब जाके जो थोड़ा सा आराम पड़ा है ना, वो घरेलू चीज़ों से हुआ है, जैसे कि स्टीम करना, बच्चे को कंटिन्यूसली दिन में 2 बार 1 स्पून चमनप्राश वगैरह देना, और अच्छी कफ सिरप जो आपको डॉक्टर ने रिकमेंड करी है कम उसको देना। मतलब उसके अलावा ये नहीं कि अभी आपने एक डॉक्टर चेंज किया तुरंत 2 डॉक्टर चेंज कर दिए फिर से कोई और दवाई, नहीं। अगर आप दे रहे हैं तो कंटिन्यू एक सिरप को कम से कम 7 दिन तक तो चलने ही दो, तब जाके थोड़ा पता चलता है। क्योंकि खांसी एक ऐसी चीज़ है, चेस्ट इन्फेक्शन, जो बहुत स्लो प्रोसीजर में रहता है, एकदम से आराम नहीं पड़ता। और अगर एकदम से आराम पड़ रहा है तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं तो यही चीज़ कहूँगी। और हो सकता है कि हम देसी नुस्खे भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं इसको अदरक दे रही हूँ, अदरक तो इंस्टेंट जो तेज वाली खांसी होती है ना उसको रोकने के लिए काफ़ी बेटर है, तो आप ये अदरक दे सकते हैं। और मैं तो कहूँ शहद ना दे के ना बच्चे को, इतना सा छोटा सा स्लाइस, वैसे खाते नहीं है बच्चे पर मेरे हिमानी खा लेती है, तो इसको मैं थोड़ा सा अदरक का छोटा सा पीस काट के वो दे देती हूँ, तो जितना ज़्यादा अंदर अंदर माउथ में घुलता रहेगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको आज बता दूँ कि मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी। तो ये कटहल ना मेरे पास कुछ इस हालत में आया है, देख लो, मतलब मम्मी इसको कटा के लेके आई थी, ठीक है। अब मैं इसको फिर भी इसके ना ये जो बीज हैं
इसके पार्ट्स फिर भी अलग अलग करने हैं, तो मैं अभी इसको लेके जा रही हूँ मम्मी के पास। फाइनली आज एक दिन आ गया है कि जब मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी, तो प्लीज इसको अप्रिशिएट करना और अच्छी रेसिपी है, एक बार अपने घर में जरूर ट्राई करके मुझे बताना, मैं आपके साथ ट्राई करूंगी, मतलब कि बना के आपको रेसिपी बताती हूँ कैसे बनती है। स्लीपर पहन के रहनी है, बच्चे हर टाइम पूछेंगे स्लीपर पहननी है, तो मैं मन नहीं करता स्लीपर पहनने का, स्लीपर पहन के रखनी है। जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखती है ना लड़की हिमानी, उसको ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इन सब चीजों की, और इन मैडम को हमेशा गर्मी लगती है। बना देना। हाँ मम्मी का जाड़े जाड़े मेथी की रोटी साग। देखो क्या बोलो, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रही हूँ मेथी की रोटी बना दो सुबह। सुबह बना देना, तुम खाओगे दोनों? ये तो खाएंगे, इसे इसे तो खानी नहीं है, वो तो फिर भी खा लेगी। कौन सी? ये तो खा लेगी, ये नहीं खाएगी। मम्मी काट रही है यहाँ पे। देखो मेरे को ये क्या मिला। प्राची बिना मन लग रहा है मम्मी फ्लोर पे? प्राची लाली बिना लगे, जब बाल काटा जब लग जा। तुम्हारा दोनों का रावू और चाची की याद आ रही है? है ना, खाली खाली हो गया ना। है लबू, कहाँ है तेरी फ्रेंड? ऐसे लगता है कि जब ऐसे लगे जब बाल का जाए तब मन लग जाए। है लबू, जब नौ रहे तब मन लग। कहाँ है तेरी क्राइम पार्टनर? यहाँ तो कुछ ज्यादा ही आ रही है। गाइस मैं नीचे आई हूँ और मैं नीचे के किचन में ही चाय बना रही हूँ। प्राची अगर ब्लॉग देख रही है तो जल्दी आ जाया। बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, हमें नहीं मिल रहा बर्तन में कौन सा कहाँ है। मम्मी वो चाय वाली भगोनी कहाँ है? ना वो बर्तन बता दो, एक आपके पास है ना? क्या कर रही है लबो? सो गाइज ये देखो मैंने यहाँ पे कटहल काट के, मतलब मम्मी ने काटा था और मम्मी ने इसको बॉईल कर दिया थोड़ी सी हल्दी और नमक के साथ। इसको बॉईल करना बहुत ज़रूरी है और मैंने इसमें दो सीटी लगवाई हैं। मैं इसको बॉईल करके बनाती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। और गाइज यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्याज को फ्राई किया और ये जो पेस्ट है ये है लहसुन प्याज अदरक, इन सभी का एक पेस्ट बना के जो हम हमेशा मतलब अपनी ग्रेवी के लिए करते हैं। और हाँ इसमें ही मसाले में मैंने हींग और तेज पत्ता भी डाला, इसके अलावा मैंने कोई चीज़ यूज़ नहीं करी है। और गाइज ये टमाटर प्याज डालने के बाद मैंने इसमें डाली थी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा सूखा धनिया, बस ये तीन चीज़ें मैंने इसमें डाली थी। और ये देखो गाइज ये देखो सब्जी का कलर, मतलब सब्जी का कलर नहीं है ये, ये मेरी ग्रेवी का कलर है। अभी तो और आना है इसमें, जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ देना हमें तब तक पकाना है प्रॉपरली। और गाइज यहाँ पर मैंने कटहल डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए पकाया और ये मेरी सब्जी रेडी थी। मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली थी, आप चाहे तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स अब खाना वाना खा के सब काम वाम करके, मतलब कि मैंने अपना किचन का पूरा काम निपटा लिया है, उसके बाद अब अचानक से हमारा प्रोग्राम बना है नाइट आउटिंग का, जो कि हमारा बनता रहता है। तो अभी बस मैंने तो अपना नाइट सूट डाल लिया है, हम जा रहे हैं आउटिंग पे। और आउटिंग पे हम जा रहे हैं इस टाइम तिब्बत मार्केट, तो चलो मैं आपको भी लेके चलती हूँ, मैं वहाँ का थोड़ा सा आपको विजिट कराती हूँ। अगर मन किया तो कुछ ले लूँगी, नहीं तो फिर घूम घाम के आ जाएंगे। पर हाँ ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कुछ लेके ना आऊँ, लेके तो मैं ज़रूर आऊँगी। और मम्मी भी साथ जा रही हैं, दोनों बच्चे साथ हैं। और अगेन कहूँगी कि प्राची वी मिस यू, आई मिस यू। तो बस अब रेडी हो गए। रेडी क्या हो गए, मैंने तो नाइट सूट ही पहना है अपना। देखो ये है मेरा वुलन का नाइट सूट, ये मैंने मिंत्रा से मंगाया था, बहुत ही वार्म है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का है और 800-900 की रेंज में अच्छा खासा मिल जाता है डेली वेयर के लिए। तो मैं तो ये पहन के जा रही हूँ और अब अगर कुछ वहाँ समझ आता है तो मैं आपको भी दिखाऊंगी, साथ के साथ ही मैं इसी व्लॉग में ही दिखा दूंगी।
पर व्लॉग को पूरा जरूर देखना, तभी मिलेगा देखने के लिए कि क्या लेके आई हूँ। ओके तो चलिए। तो मैंने अपना ले लिया ये वाला स्टॉल, लड्डू वाला, इसको उड़ के जाएंगे। चलो कम ऑन, लाइट्स ऑफ, लैंप भी ऑन है। इधर से ही तो है। अरे मैया पीछे हो, कंटिन्यू बनाना है ना। तो सही सही है। हाँ ठीक। भवानी क्या हुआ? छोटे से पप्पी के लिए लव उसके पास जाएगी जब ही। तो एक ही जगह में नहीं रहता है, इधर ये पहन के देखो। बैठो।